मैंने 2020 में ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला आर्टिस्ट यूसरा 3, तो मेरी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए उस पर, जैसे कि मैं उस पर कस्टमाइज़ भी करने लगी अपनी कैलीग्राफीज़, आर्ट वर्क्स, स्केच, पोर्ट्रेट, सब कुछ उस पर कस्टमाइज़ करने लगी। अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, मैं फिर वहाँ पर खुद के साथ सोचती नहीं, मैं ये बना लूँगी, घर जाकर मुझे ये बनाना है। फिर घर जाकर मैं अपने आर्ट टूल्स निकालती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं वही चीज़ देख लूँ, मैंने जो सुबह देखी थी मैं वो ट्राई कर लूँ। फिर मैं विंटेज में कोई फ्लावर पॉट बना लेती हूँ, कोई मैं एनिमल का सोचती हूँ, कोई जानवर वानवर ऐसे बना लूँगी मैं फिर अच्छे से एक रेफरेंस बनाती हूँ, उस पर मैं सोचती हूँ ये बहुत अच्छा जा रहा है। जब स्ट्रोक्स अच्छे जाते मैं इतना खुश रहती हूँ, मैं सोचती हूँ नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। देन जिनके रिव्यूज़ आते देखते हैं वो कहते हैं नहीं ये हैंडमेड नहीं होगा। हम देख सकते हैं आर्ट बोल नहीं सकता है, इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, मगर ये कह सकता है, ये ऐसा आर्ट है। आर्ट हैज़ नो वर्डिंग बट इट इन्फ्लुएंस, इंसान का सोल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आज तक जो रिपीट किया है लिखना, जैसे कि कुन फाया कुन, वो मैं बार बार लिखती हूँ, और मैंने आज तक वो फज कुरूनी अज कुरकुम वो भी मैंने लिखा है, वो बड़े वाले कैनवस पर मैंने बनाया है। इंडिविजुअल पे इसका इम्पैक्ट ऐसे रहता है कि वो लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं, वो लोग भी कहते हैं हम भी सीख लें, और मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ। हर एक जो बिगिनर नया आर्टिस्ट है, मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ, आप लोग भी ऐसे सीखो। इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आ सकते हैं, जैसे कि कभी हमें लैक ऑफ सपोर्ट हो जाता है, तो फिर उससे पीछे नहीं हटना है, कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा नहीं, उसे नहीं डरना है, हमें खुद को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, वैसे करके हम आगे जा सकते हैं।